प्रतिष्ठा से लेकर प्रतिमा दर्शन तक की बातें सत्येंद्र दास महाराज ने जानकारी दी है। जैसे जैसे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। इस उत्साह के बीच लोगों में ये जानने की उत्सुकता भी है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है और कैसे की जाती है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने पूरी जानकारी दी। आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर जन दर्शन से पहले तक पूरी प्रक्रिया की पूरी चरणबद्ध तरीके से जानकारी दी है। आइए आपको सुनाते हैं। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके संबंध में कि यह क्या प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसकी सबको जिज्ञासा होती है। उस परमात्मा भगवान श्री राम और ये बनी हुई जो प्रतिमा है, इसमें उस साक्षात परमात्मा की सारी शक्तियाँ इसमें समाविष्ट हो जाएं। अब आने के इस मंत्र के द्वारा किया जाता है, जो हमारे वेदों में वर्णित मंत्र है और समाविष्ट है, जिससे जिस प्रकार के देश की कल्याण काल और आने वाले भक्तों की जो दर्शन है, उस दर्शन के माध्यम से उनका कल्याण हो, सभी के कल्याण। जो शक्ति उस परम परमात्मा रमन्ते योगिनो जिसमें नित्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्म अवधीयते, उस परब्रह्म परमात्मा की जो शक्ति है वो इस प्रतिमा में जो बनी हुई है इसमें आ जाए। और जो शक्ति और जिस शक्ति से परमात्मा की तपस्या और उनसे हमको शक्ति मिलती है, हमारा कल्याण होता है, उसी इस प्रकार की शक्ति इसमें भी है। और इस परमात्मा के स्वरूप में विराजमान इस प्रतिमा के हम वैसे दर्शन करें तो वैसे हमको फल मिलेगा जैसे साक्षात परमात्मा की तपस्या करने से प्राप्त होता है। यही है कि सारी शक्तियाँ जो भगवान राम की है वो इसमें समाविष्ट हो जाए, ये मंत्रों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और इसीलिए जो भी प्रतिमाएँ हैं उनका दर्शन करने वाले, पूजा करने वाले और जो मांगने वाले जो कुछ हैं वो सबका कल्याण होता है, सब कुछ उनको प्राप्त होता है, यही प्राण प्रतिष्ठा है। आप देखें 17, 18, 19, 20, 21, 22 को खत्म समाप्त होगी, 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो इसी प्रकार से कोई एक हफ्ता 7 दिन, कोई 11 दिन, कोई 21 दिन, जिस प्रकार से होती है उसका उसी रूप से विषम दिनों में उसका किया जाता है, या तो 7 हो जाए या 21 हो जाए और इसके प्रकार से या 11 हो जाए, इस तरह से सम तिथियों में सम दिनों में उसकी पूर्ति की जाती है, जो 17 से शुरू है और ये 22 को समाप्त हो।